हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन। दिस लेक्चर इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th, 12th एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है कॉनिक सेक्शन की, एंड हाउ दीज आर फॉर्म। ये जो लेक्चर है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। उम्मीद है आप लोग बने रहेंगे लेक्चर के एंड तक। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनिक सेक्शन। देखिए, कॉनिक सेक्शन टू वर्ड से मिलकर बना है, कॉनिक प्लस सेक्शन। क्या मीनिंग है, टू कट ए कोन, सेक्शन मीन्स टू कट ए कोन बाय अ प्लेन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। ओके, सो दिस इज सेक्शन ऑफ कोन, इनफैक्ट प्लेन सेक्शन ऑफ कोन बाय ए प्लेन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। इट मींस व्हेन यू इंटरसेक्ट ए कोन बाय ए प्लेन, देन यू विल हैव ज्योमेट्री लाइक एलिप्स, सर्कल, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ऑल दीज आर नोन एज कॉनिक सेक्शंस। एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि डबल नैप कोन इज ए थ्री डायमेंशनल कोन एंड प्लेन इज ऑल्सो ए थ्री डायमेंशनल फिगर। एंड स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, व्हेन टू थ्री डायमेंशन फिगर्स इंटरसेक्ट, द जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्ट करने के बाद, रिजल्टिंग फिगर आएगा दैट विल हैव डायमेंशन लेस देन और इक्वल टू थ्री। तो इट मीन्स व्हेन टू थ्री डायमेंशन फिगर्स इंटरसेक्ट, द रिजल्ट विल बी ए फिगर विच हैव डायमेंशन लेस देन और इक्वल टू थ्री। सो दिस इज अ डबल नैप कोन। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि व्हाट इज अ डबल नैप कोन, एंड दिस इज थ्री डायमेंशनल प्लेन एंड दिस इंटरसेक्ट टू रिजल्ट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कर्व्स, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला एंड हाइपरबोला, एंड दिस कर्व्स कलेक्टिवली आर नोन एज कॉनिक सेक्शन। सो ये कॉनिक सेक्शन का मीनिंग है। इट मीन्स वट इज कॉनिक सेक्शन, सेक्शन ऑफ ए कोन बाय ए प्लेन गिव यू अ फिगर लाइक एलिप्स, सर्कल एंड पैराबोला, हाइपरबोला। सो दीज आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। उम्मीद है आपको कॉनिक सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे वट इज अ डबल नैप कोन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वट इज डबल नैप कोन एंड वाई दिस कोन इज कॉल्ड डबल नैप कोन। सो डबल नैप कोन एक्चुअली है क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन joint by a single vertex. So these two right circular cone are there, and therefore this angle is 90 degree, which is called vertical angle. And therefore this angle, which is half of the above angle, is known as semi-vertical angle. So semi-vertical angle kya rahega, 45 degree. And this line, dotted line, is known as the axis of the cone. Axis of the cone. Okay students. और ये जो upper हाफ है कोन का, इसको बोलते हैं अपर नैप, अपर नैप ऑफ द कोन। सिमिलरली जो लोअर हाफ है उसको क्या कहेंगे, लोअर नैप ऑफ द कोन। और इन्हीं दो नैप की वजह से इस कोन को हम बोलते हैं डबल नैप कोन। ओके, अब हम ये सीखेंगे कि हाउ दिस कोन इज जनरेटेड। सो स्टूडेंट्स, डबल नैप कोन एक्चुअली इट इज जनरेटेड बाय ए लाइन इन एक्स वाई प्लेन। Suppose this is a line making an angle alpha with y axis. Okay. So double nap cone क्या है? It is surface of revolution of a line rotating at an angle alpha about any axis. So अगर ये line को हम y axis के along rotate करेंगे तो जो surface generate होगा that is double nap cone. So इसको अब हम geometrically animation के through देखेंगे कि how this cone is generated. तो स्टूडेंट्स, ये एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं कि हाउ दिस कोन इज जनरेटेड। ओके, सो देयर इज अ लाइन इन द फिगर एंड यू कैन सी द रोटेशन ऑफ दिस लाइन विल प्रोड्यूस ए कोन विच इज अ डबल नैप कोन। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन एंड फील हाउ ए डबल कोन इज जनरेटेड। सो दिस इज अ सिंपल विजुअलाइजेशन ऑफ द डबल कोन। I think this video will help you to understand the concept of double nap cone. Okay, students.
So enjoy this video and we will move next part of this video. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो कॉनिक सेक्शन है दिस इज नथिंग बट द सेक्शन ऑफ ए कॉन बाय थ्री डी प्लेन एंड द पोजिशन ऑफ द प्लेन विल डिसाइड दैट वट कॉनिक विल बी फॉर्म इट विल बी हाइपरबोला इट विल बी सर्कल इट विल बी एलिप्स और पैराबोला अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द प्लेन. सो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज कॉनिक्स आर फॉर्म. सो चलिए वन से स्टार्ट करते हैं. उससे पहले कुछ बेसिक्स जो डेफिनेशंस है कुछ जो रिक्वायरमेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे. सो इफ इफ वी डिनोट अल्फा बाय सेमी वर्टिकल एंगल एंगल ऑफ द डबल नैप कोन एंड बीटा इज द angle made by intersecting plane plane with axis of the cone. So alpha क्या है semi vertical angle है और beta क्या है एंगल है जो प्लेन एक्सिस के साथ फॉर्म करता है. ओके नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस अल्फा एंड बीटा वी कैन कैटेगराइज व्हाट कॉनिक विल बी फॉर्म. सो फर्स्ट केस इज सर्कल. सो हाउ सर्कल इज फॉर्म्ड व्हेन बीटा द एंगल व्हिच प्लेन मेक्स विद द एक्सिस इज 90 डिग्री. इट मींस इफ ए प्लेन कट द कोन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देन सर्कल विल बी फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट केस. यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सिस and this is the line of the plane and plane cuts here by 90 degree. So in this case circle is formed. Similarly second case you can see ellipse. So ellipse ke case mein kya rahega that angle beta is greater than alpha. It means jo plane intersect kar raha hai agar wo plane axis ke sath बीटा एंगल फॉर्म करता है और बीटा अल्फा से ग्रेटर एंगल रहेगा देन द कॉनिक विल बी एलिप्स. सो दिस इज द केस ऑफ एलिप्स. दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन एंड दिस इज द लाइन ऑफ प्लेन. सो इन दिस केस दिस एंगल बीटा इज ग्रेटर देन दिस एंगल अल्फा. ओके सो दैट्स इन दिस केस एलिप्स इज फॉर्म. नाउ इन द थर्ड केस पैराबोला. सो व्हेन पैराबोला इज फॉर्म्ड व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा. इट मींस बोथ एंगल आर सेम. इट मींस द एंगल ऑफ द प्लेन विद द एक्सिस इज सेम एज द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा देन पैराबोला इज फॉर्म्ड. सो इन दिस केस सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ प्लेन and this is semi vertical angle and in this case beta angle is same as alpha and therefore parabola is constructed. And the last one case is hyperbola. So when beta is less than alpha and of course greater than equal to zero, it means if the angle of the axis of the plane angle that plane makes with the axis is less than the semi vertical angle then hyperbola is formed. And this is the only case when plane cuts the both half of the cone upper nap and lower nap. So is situation mein jab hyperbola construct karenge to jo plane hai wo dono half ko cut karega. So these are the four cases of conic sections. तो स्टूडेंट्स जो भी हमने केस डिस्कस किए उनको एक्सप्लिसिटली बारी बारी से अब हम लोग विजुअलाइज करेंगे इन थ्री डायमेंशनल फिगर. सो दिस इज द केस ऑफ एलिप्स एंड दिस इज द डबल नैप कोन
and this is the intersecting plane, and you can see that the line of action of the plane makes angle beta with the axis of the cone, and this angle is greater than alpha, and you can easily see that in the picture that there is an ellipse is formed shown by the dotted line. So आप बड़े easily इसको visualize कर सकते हैं कि इस case में हमारे पास जो है ellipse construct होगा. Okay, so this is the case of ellipse. Now in the second case, circle is formed. आप बड़े easily check कर सकते हैं कि this is the intersecting plane and this cuts the cone at right angle, and therefore this portion is circle which is formed by the section of the plane to the cone at 90 degree. So this is the case of the circle. So this is the third case when parabola is formed. So in this case the plane is intersecting at semi-vertical angle. So in this case the angle of intersection of the plane is same as the semi-vertical angle alpha, and you can easily see that this blue dotted lines show you the parabola is formed when this intersection happens. Okay, ye last case aapke samne ke when hyperbola is formed. So when a cone is intersected by the plane at an angle beta is surely less than the semi-vertical angle alpha, then you will get a hyperbola. Okay, you can visualize this construction of hyperbola in this figure also. You can see that the blue intersecting surface as shown in this figure here and here, that is represented here also, and you can very easily see that this is hyperbola formed when a plane intersect the cone at an angle beta and beta is surely less than alpha. So this is the visualization of how hyperbola is formed. Okay, now I will try to summarize all these constructions in a single figure, and I will show you some animations. This will really give you a feel how these conics are formed. So students, इस lecture को design करने का purpose ये था कि जो 11th 12th के students हैं वो थोड़ा geometry को लेकर concerned रहते हैं और उनको थोड़ा सा टफ भी लगता है. तो यहाँ पर हमने प्रयास किया कि कॉनिक सेक्शन को विजुअलाइजेशन 3D फिगर्स एंड 3D एनिमेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाया जाए ताकि वो उनको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े. तो यहाँ पर कंक्लूजन के दौरान इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और आपको शो करते हैं कि ये जो एनिमेशन हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, और आप इनको देख सकते हैं कि हाउ दिस कॉनिक्स आर फॉर्म्ड. नाउ यू कैन सी दिस वीडियो. You can easily see that this is parabola, and now this is constructing an ellipse in the middle. Okay, similarly you can see how hyperbola is constructed. You can feel throughout this video how these conics are formed. Now you can notice that when the plane intersect both naps of the cone, upper nap and lower nap, then hyperbola is formed. Now this hyperbola is highlighted in blue, so you can see this hyperbola is constructed. Now this is ellipse. Okay students, तो आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने विजुअलाइज किया, कंसेप्ट को अच्छे से समझा. तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और आपका धन्यवाद. उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलें. थैंक यू.